نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हमने अपनी पहली निशिस्त में निकाह के हुक्म की नौइयत, उसकी फर्जियत, उसकी हिकमत, अहमियत और फिर निकाह की उम्र पर बात की। आज अपने इस सेशन में मैं बुनियादी तौर पर शरायत निकाह पर बात करूंगी कि शरीयत के हवाले से निकाह के लिए कौन सी बेसिक शरायत या प्री रिक्विजिट्स को पूरा करना जरूरी है और किन शरायत के पूरा किए बगैर निकाह दुरुस्त, हलाल और जायज नहीं है। ये शरायत मैं पहले आपको लिखवाती हूं और उसके बाद एक एक करके उन पर बात, वजाहत से उन पर बात की जाएगी। पहली शर्त, दोनों फरीकैन यानी उस लड़की और लड़के या मर्द और औरत की रजामंदी और ईजाबो कबूल है। फिर उसके बाद वली की रजामंदी, गवाहों की मौजूदगी, खुतबाए निकाह का पढ़ा जाना, वलीमा और हक महर का दिया जाना। ये बुनियादी शरायत हैं जो कुरान या हदीस से साबित हैं। तो पहली शर्त दोनों फरीकैन की, यानी जो लड़की और लड़का जिनका निकाह हो रहा है, जो रिश्ता अजवाज में बंधने लगे हैं, उन मर्द और औरत की रजामंदी और उनकी खुशनूदी और इस हवाले से उनका ईजाबो कबूल, जैसे उनसे सवाल जवाब किया जाता है कि क्या फला फला वालिद की बेटी इतने हक महर पर तुम्हें कबूल है, तो ये दोनों फरीकैन की रजामंदी का सवाल करना, पूछना और इसको अहमियत देना, असल में ये दोनों की रजामंदी निकाह के लिए जरूरी है। बस औकात लोग इस्लाम के बारे में ये बात करते हैं कि इस्लाम एक बहुत ही ओल्ड फैशन्ड, एक बहुत ही ऑब्सोलीट दीन है और इसमें बहुत ज़्यादा सख्तियां हैं, पाबंदियां हैं और एक बहुत ही रिजिड तालीमात वाला दीन है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारा दीन दीन फितरत है, हमारा दीन एतदाल का दीन है और हमारा दीन इंतहाई मॉडर्न और लिबरल दीन है। पाबंदी के साथ, सख्ती के साथ दोनों मर्द और औरत को रिश्ता अजवाज में बांध देने का कोई तसव्वुर शरीयत में नहीं है, बल्कि इसके बिल्कुल बरअक्स दोनों की रजामंदी, दोनों की खुशनूदी और दोनों की पसंद को मलहूज़े खातिर रखना ये निकाह की अव्वल शरायत में से है। सूरह निसा में अल्लाह सुभाना ताला ने कुरान में जब फरमाया मा तौबालकुम मिनन निसाए कि जो तुम्हें अच्छी लगती हैं, जो तुम्हें पसंद आती हैं औरतों में से, उनके साथ तुम निकाह कर लो, तो इस आयत से, सूरह निसा की इस आयत से निकाह के लिए दोनों अजवाज की पसंद का तसव्वुर और जवाज निकलता है। और हयात तैयबा में कितने ही वाकयात ऐसे हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके किसी ने पूछा, जैसे कुछ सहाबा ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मैं फलां खातून के साथ निकाह करना चाहता हूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया क्या तुमने उसे देखा है, और फिर आपने ताकीद भी फरमाई कि तुम्हें चाहिए कि उसको देख लो क्योंकि ये बाहमी मोहब्बत और बाहमी रजामंदी के लिए ज्यादा और बाहमी मवाफिकत के लिए यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर है। इसी तरह एक शख्स ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तस्करा किया कि वो एक अंसारी खातून के साथ शादी करना, निकाह करना चाहता है, तो आपने ताकीद की कि उसको तुम देख लो क्योंकि अमूमन कुछ
उस कबीले का कि उस कबीले की इन सारी खवातीन की आंखों के अंदर कुछ नुक्स होता है। तो आपने इस चीज को प्रमोट किया, आपने इसको एडवाइस किया कि निकाह से पहले दोनों एक दूसरे को देख लें ताकि उनकी पसंद को मलहूज़े खातिर रखा जाए, बिकॉज ये बात की मिसअंडरस्टैंडिंग्स के लिए, क्योंकि अगर वो लड़की या वो लड़का एक दूसरे के पैमाने और रिक्वायरमेंट्स और ख्वाहिशात के मुताबिक पूरा नहीं उतरेगा तो बाद में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मोहब्बत का वो बॉन्ड और बाहमी मवाफिकत जो है वो शायद डेवलप ना हो पाए। तो बहुत हिकमत है हमारे दीन के अहकामात में, लेकिन पसंद का तरीका बहरहाल शाइस्तगी और हया के दायरे और अल्लाह की वजा करदा हदूद और कयूद के मुताबिक होना जरूरी है। और पसंद का तरीका ये नहीं है कि घूमना फिरना, डेटिंग, फ्लर्टिंग्स, ये एक नहीं और सही और नहीं और सही कि मजे चखते फिरें और सबके साथ घूमते फिरें, एक पसंद नहीं आया तो वो जो कहते हैं कि खूब से खूबतर की तलाश अब देखें कि जाके रुकती है निगाह कहाँ, ये तसव्वुर नहीं है कि बहुत सों के साथ घूमना फिरना और वक्त गुजारना और दिल लगी करना और फिर किसी को पसंद ना करना और छोड़ देना, ये तसव्वुर शरीयत का तसव्वुर नहीं है। अल्लाह ने तो कुरान में हया के और पर्दे के अहकामात देते हुए अल्लाह ने वाज तौर पर फरमाया वला मुत्तखजी अखदान, कि पोशीदा दोस्तियां जो है वो पकड़ना, एक मर्द और औरत का तन्हाई में बैठना जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नापसंद किया और आपने फरमाया कि जब एक मर्द एक औरत के साथ तन्हाई में मिलता है तो तीसरा शैतान होता है। तो लिहाजा ये नापसंदीदा है, लेकिन पसंद का तरीका जो है वो हया के दायरे के अंदर रहते हुए ये है कि दोनों घराने आपस में मुलाकात करें, जहां पे निकाह करने की ख्वाहिश और आरजू और इरादा हो वहां पे दोनों घराने आपस में मुलाकात करें। जैसे लड़के की माँ और बहन जो है वो लड़की की माँ बहन और घर वालों से मुलाकात करें, वो बच्ची को देखें, इसी तरह लड़की के माँ बाप और भाई जो है वो लड़के को मिलें। अगर सब तरजीहात और प्रायोरिटीज और पैमाने जो जरूरतों और रिक्वायरमेंट्स के हैं अगर वो पूरे होते हैं और सब दोनों घरानों को लगता है कि वो म्यूचुअली कंपैटिबल हैं, दे कैन गेट अलोंग विद ईच अदर और वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी हो रही हैं, तो उसके बाद फिर इन दोनों को तन्हाई में नहीं, अलैदगी में नहीं, घूमने फिरने की तरीके से नहीं, लेकिन घर के अफराद की मौजूदगी में इन दोनों को मिलने और एक दूसरे को देखने की इजाजत दे दी जाए, और यही शाइस्तगी का तरीका है। तो ये पहली शर्त है निकाह के लिए, और यहां तक तसव्वुर है शरीयत में कि अगर उस लड़की या बच्ची की मर्जी के खिलाफ निकाह किया जाता है, जबरन निकाह किया जाता है, तो उसके पास शरीयत के अहकामात के मुताबिक ये इख्तियार है कि वो किसी कोर्ट या किसी काजी के पास जाके निकाह को मंसूख करवा सकती है। तो ये पहली शर्त है। और फिर उसके बाद दूसरी शर्त वली की मौजूदगी और रजामंदी है। तिर्मिजी में सही हदीस के अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला निकाह इल्ला बी वली, कि वली की रजामंदी के बगैर निकाह निकाह नहीं है। इसी तरह तिर्मिजी ही में हदीस है हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रवायत से कि जिस औरत ने अपने वली की इजाजत के बगैर निकाह किया वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है। तो जब निकाह निकाह ही नहीं, जब निकाह बातिल है, तो ऐसे निकाह के बाद किया जाने वाला ताल्लुक वो जिना के जुमरे में आएगा। इसी तरह एक और हदीस के अल्फाज हैं इब्ने माजा में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से हदीस है कि कोई औरत किसी दूसरी औरत का निकाह ना कराए, ना कोई औरत अपना निकाह वली के बगैर कराए, क्योंकि जो औरत अपना निकाह वली के बगैर कराएगी वो जानिया है, वो जानिया है। और वली जो है वो करीब तरीन मर्द रिश्तेदार है, यानी वालिद होगा, अगर वालिद नहीं है तो भाई, चचा, दादा वगैरह, ये सब वली बन सकते हैं। और अगर एक ज्यादा करीबी रिश्तेदार मौजूद है तो दूर वाले रिश्तेदार को वली बनने का इख्तियार और इजाजत नहीं है। यानी बस औकात जैसे हमारे माशरे में ये होता है कि बाप अगर एक रिश्ते पर नहीं मान रहा होता बच्ची का रिश्ता वहां करने पर, और बाप वली है, तो वो ये नहीं किया जा सकता कि वो अपने भाई की रजामंदी के लिए भाई को वली बना ले। तो लिहाजा, और ये भी है कि कंवारी और बेवा दोनों निकाह, जिसने पहले खातून का निकाह हो चुका है, चाहे वो बेवा है चाहे मुतल्लिका है, वो भी और कंवारी सभी के लिए वली की रजामंदी जरूरी है, और इसके बगैर निकाह निकाह नहीं है।
इसके बिल्कुल बरक्स जो आज हमारे हमारे इस सो कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के जो स्टेट लॉज हैं उसमें वली की रजामंदी के बगैर ये जो कोर्ट मैरिज का तसव्वुर है उसको लीगलाइज किया गया है। कोर्ट मैरिज में वली मौजूद नहीं है, कोर्ट मैरिज में वली की रजामंदी नहीं है, वो बच्ची अपने घर वालों से अपने वली की इजाजत और मर्जी से के बगैर छुप के भाग के किसी लड़के के साथ किसी कोर्ट में जब निकाह कर लेती है तो वो शरई तौर पर उसकी कोई हकीकत नहीं है। ला निकाह इल्ला भी वली, वो निकाह निकाह ही नहीं है, लेकिन हमारे स्टेट के कवानीन के मुताबिक उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है, उसको कबूल भी किया जाता है, और सिर्फ उसको कबूल और लीगलाइज ही नहीं किया जाता, हमारे ड्रामों के अंदर हमारे सीरियल्स के अंदर ऐसे भाग कर निकाह करने वाली औरतों को उनको हीरोइन बना दिया जाता है, उनको मजलूम और बिचारियों और पथेटिक्स पुअर पथेटिक्स दिखाया जाता है, और उनके घर वालों को उनके वली को जो है वो जाबिर और जालिम बना दिया जाता है। और फिर हमारे ही इस माशरे मुसलमान माशरे के अंदर वो एनजीओज जो हैं वो नाम निहाद एनजीओज जो हैं वो विमेन लिबरेशन के नारे लगाने वालियां ऐसी कोर्ट मैरिज करने वाली खवातीन को और लड़कियों को पना देती हुई और इनके लिए केसेस कोर्ट कचहरियों में लड़ती हुई नजर आ जाती हैं, ये शरीयत के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। ला निकाह इल्ला भी वली, इसको ब्लैक एंड व्हाइट में लिख लीजिए। फिर इसमें कुछ लोगों का ये ख्याल है और ये तसव्वुर है कि ये तो लड़की के ऊपर बहुत ही जबर है इस्लाम में। अरे अल्लाह के बंदो, ये जबर नहीं है, ये तो सहूलत है, ये तो हिफाजत है, ये तो प्रोटेक्शन है उस खातून की। अल्लाह सुबहाना ताला ने वली को भी तरीका कार बताया कि उसके पास भी जबर करने का इख्तियार नहीं है, वो भी लड़की की रजामंदी को उसकी पसंद का ख्याल रख के निकाह करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो उसकी पसंद के बगैर जबरन निकाह करेगा तो शरीयत के अहकामात के मुताबिक एक खातून को, एक बच्ची को जिसका निकाह जबरन करवाया गया है, वो काजी या कोर्ट के पास पहुंचकर अपना निकाह मंसूख करवाने का इख्तियार और हक रखती है। लेकिन ये वली की रजामंदी की अहमियत क्या है? ये एक औरत पर जबर नहीं है, उसके पर जुल्म और ज्यादती और उसके साथ हक तलफी नहीं है, बल्कि उसकी प्रोटेक्शन है। मैं और आप हम सब ये हकीकत जानते हैं कि एक औरत कमजोर है जिस्मानी तौर पर, आसाबी तौर पर, फिजिकली इमोशनली वो लेबाइल है, वो वीक है, वो टेम्परमेंटल है, और वो इकोनॉमिकली और सोशली माशी तौर पर भी वो कमजोर है। वो डिपेंडेंट है मर्दों की कफालत पर, वो डिपेंडेंट है मर्दों के साथ हिफाजत के लिए। तो अल्लाह सुबहाना ताला ने उसको एक हिफाजत का हिसार दिया है, उसके वालिद, उसके बाप, उसके भाई और उसके घर के जो ये वली रिश्तेदार है उनको इसके लिए छत बना दिया, उसको उस उन सब रिश्तेदारों को उसके लिए जमीन, पांव के नीचे की जमीन बना दिया। वो लड़की जो अपने घर से भाग के वली की रजामंदी के बगैर निकाह करती है उसका कोई सहारा और उसका कोई पुश्तिबान नहीं होता, और वो कमजोर इतनी कमजोर होती है कि वो तो बिल्कुल जड़ से उखड़ी हुई एक बेल की तरह होती है। उसको तो एक मर्द अपनी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करता है और फिर टिश्यू पेपर की तरह डिस्पोज ऑफ कर देता है, और उसकी कोई हिफाजत करने वाला पुश्तिबान नहीं होता। वो खुद अगर उस स्टेज के ऊपर उस मोहब्बत के दायरे में आके बेवकूफ और अहमक बन रही होती है तो वो भूल जाती है कि वो कमजोर है और उसको हिफाजत के हिसार की जरूरत है। अल्लाह सुबहाना व ताला उसकी उन तमाम जरूरतों को जानता है, उसकी माशी, माशरती, सोशल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल जरूरतों को जानता है, और उसकी हया, इस्मत, आबरू की हिफाजत के लिए उसके वली को उसका पुश्तिबान बनाकर उसकी वली की रजामंदी को जरूरी करार दे रहा है। एक लड़की को अपने मेके वालों की सपोर्ट की कितनी जरूरत होती है? अरे जरूरत नहीं होती है तो फिर जब बाप फौत हो जाते हैं तो फिर बेटियां रोती क्यों हैं? आज हमारे छत के ऊपर, सर के ऊपर छत नहीं रही। जब भाई फौत हो जाते हैं तो बहनें बिलखती क्यों हैं? क्योंकि ये वो पुश्तिबान है, ये वो बैक सपोर्ट्स हैं जिनकी जरूरत है, जिनके बगैर एक औरत एक जड़ से उखड़ी हुई बेल की तरह है। तो अल्लाह सुबहाना ताला ने इसलिए वली की रजामंदी को इतनी अहमियत दे दी है। ये औरत के हकूक की हिफाजत है, उसके ऊपर जुल्म और ज्यादती नहीं है हरगिज। और फिर उसके बाद शरायत में से एक शर्त जो है वो गवाहों की मौजूदगी है। गवाहों की मौजूदगी, दो गवाह लड़की की तरफ से और दो गवाह आदिल गवाह जो है वो लड़के की तरफ से होना जरूरी है। जैसे एक सही हदीस के अल्फाज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वली हक महर और दो आदिल गवाहों के बगैर निकाह नहीं होता।
ये वहाँ पे मौजूद भी हैं, ये गवाही भी देते हैं, ये इस बात का सबूत भी हैं कि निकाह हुआ था और निकाह की शराइत कौन सी थी, ये उसको भी एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बारे में भी गवाही देते हैं। तो गवाहों की मौजूदगी जो है वो भी ज़रूरी है और वो शराइत निकाह में से है। इसी तरह निकाह के मौके पर वो मसनून खुतबा निकाह जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर निकाह के मौके पर आप पढ़ा करते थे, आप सुनाया करते थे, इंशाल्लाह उस पर भी किसी मौके पर वजाहत से बात होगी कि ये वो मसनून अल्फाज थे जिसमें कुछ कुरान की आयात भी थी और कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून कलिमात भी थे। एक निकाह के मौके पर ये जब पढ़े जाते थे और हर मौके पर ही ये पढ़े निकाह के मौके पर पढ़े जाते थे, तो जाहिरतन इनके अंदर कोई घर के मेमारों और घर तामीर करने वालों, वो दोनों घरान और दोनों जौजैन को उस उन निकाह के खुतबे के अंदर बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट और गोल्डन टिप्स और सुनहरे असूल बताए गए होंगे। तो लिहाजा खुतबा निकाह का पढ़ना भी शराइते निकाह में से है। और फिर उसके बाद वलीमा, वलीमे का करना भी शराइते निकाह में से है। और शराइते निकाह में से वलीमे के करने की जो सबसे बड़ी अहमियत है कि वलीमा क्यों किया जाए, कि वलीमे का एक मकसद तो ये है कि उसको इलाने निकाह के लिए है और दूसरा मकसद जो है वो अपने कराबतदारों को, अपने रिश्तेदारों को अपनी खुशी में शामिल करने की गरज से। यानी एक शख्स ने निकाह किया है, ये खुशी का मौका है, तो उस वक्त अपने रिश्तेदारों और कराबतदारों को अपनी खुशी में शामिल करने के लिए वलीमा जो है वो उसका तसव्वुर है। और दूसरा तसव्वुर यह है कि निकाह का ऐलान करना। ये बात याद रखिएगा कि निकाह के लिए जैसे एक मर्द है उसका पहले निकाह में एक औरत है और खातून है, पहली बीवी से इजाजत लेना तो जरूरी नहीं है शरीयत के अहकामात के हवाले से, लेकिन पोशीदा निकाह का भी तसव्वुर नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो अल्लाह सुबहान ताला ने तो कुरान में पोशीदा दोस्तियों से भी मना किया है, वला मुत्तखजी अखदानिन, पोशीदा दोस्तियां भी ना पकड़ो। तो जिस शरीयत के अंदर पोशीदा तौर पर एक मर्द और औरत का मिलना, दोस्ती करना या किसी किस्म का इंटरेक्शन करना मना है, वहां पे पोशीदा निकाह का क्या तसव्वुर है? वो जो आज हमारे माशरे में बीवी से पूछने का तो तसव्वुर ही नहीं है, लेकिन ये कि एक खातून का निकाह, उसकी अपने निकाह को तकरीबन 10-12 साल हुए होते हैं और उसको बहुत ही सालों के बाद ये पता चलता है कि मेरे शोहर की तो 10 साल की बेटी किसी और बीवी से भी और उसको तो दूसरी खातून से निकाह किए हुए 10 साल हो गए, तो ये पोशीदा निकाह का तरीका नहीं है। वो निकाह जो पोशीदा तरीके से किया जाता है जिसमें ऐलान निकाह नहीं है, वो निकाह निकाह नहीं है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह तौर पर यह फरमाया ना कि निकाह के लिए जायज ये है कि उसका ऐलान किया जाए, और जिस निकाह का ऐलान नहीं किया गया वो निकाह निकाह नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि हलाल और हराम निकाह में फर्क सिर्फ ये है कि उसका ऐलान है। तो लिहाजा ये भी शराइते निकाह में से है। और वैसे भी जैसे हदीस के अल्फाज आते हैं कि जब तुम्हें कोई वलीमे की दावत के लिए कबूल करे तो मोमिन का मोमिन पे हक है कि उस दावत को कबूल किया जाए, बशर्ते कि वो जाहिर है दावत जो है वो हलाल और जायज अमूर पर मुश्तमिल है और उसमें हराम और नाजायज काम नहीं है, तो फिर उस दावत को कबूल करना भी एक मोमिन का हक है। और फिर शराइते निकाह में से एक शर्त हक के महर है। हक के महर के बारे में मैं वाज़े तौर पर यह बताना और समझाना चाहूंगी कि हक के महर का देना ये हुक्मे खुदावंदी है, ये हुक्मे खुदावंदी है और ये फरीज़ाए दीन है। ये औरत का हक है और ये मर्द के लिए फर्ज है। अल्लाह सुबहान ताला ने कुरान में फरमाया है कि तुम क्या करो, वह आतु हुन्ना अजूरा हुन्ना, कि तुम जब औरतों के साथ निकाह करो तो तुम उनको उनका हक मकर दे दिया करो। वह आतु हुन्ना सदकात हुन्ना निहला, कि तुम उनको उनके मेहर को खुश दिली से दे दिया करो, रजा और रगबत से देना। ये हुक्मे खुदाबंदी और फरीजा दीन है। और सिर्फ यही नहीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुअक्कदा भी है। आपने अपने हर निकाह में हर जौजा को
امہاتل مومنین کو آپ نے حق مہر ادا کیا تو گویا یہ فریضہ دین ہے، حکم خدا بندی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے، اور حدیث میں اس کی تاکید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حق مہر نہ دینے کی نیت سے مقرر کرتا ہے وہ شخص قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور زانیوں کی شکل میں حاضر کیا جائے گا. یعنی حق مہر جیسے مقرر کر دیا جاتا ہے اور بہت زیادہ سا حق مہر لڑکی والے مقرر کرتے ہیں، اور وہ والد لڑکے کا آ کے لڑکے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا انہوں نے تو اتنا زیادہ حق مہر کر دیا، تو بیٹا کہتا ہے ابا کر لے میں نے کون سا دینا ہے. تو یہ ہے جو حق مہر نہ دینے کی نیت سے مقرر کرتا ہے. اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ جو شخص حق مہر اڑا لینے کی نیت سے مقرر کرتا ہے وہ شخص زانیوں کی شکل میں اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا. اڑا لینے کی نیت یہ کہ کوئی نہیں خیر ہے میں بعد میں معاف کروا لوں گا. جیسے بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رخصتی کے بعد جو ہی وہ دلہن گھر میں آتی ہے، ابھی اس کو ہوش آیا نہیں، اس کو سمجھ آئی نہیں، اس کو پتہ نہیں اس کے پاؤں کہاں پڑ رہے ہیں کہاں نہیں ہیں، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے آگے پیچھے کا، اور اسی وقت ایسے جیسے اس کو ایک جبر کی شکل میں ایک پریشر کر کے جیسے کنپٹی پر بس پستول ہی نہیں رکھی، بس اس سے فوراً ہی بس یہ پوچھ لیا چلو اس کو معاف کروا دو. اب وہ بیچاری اس وقت کیا کرتی ہے، وہ معاف کر دیتی ہے. تو نیت معاف کروانے والے کی کیا ہے؟ اللہ نے معاف کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ اگر وہ خوش دلی سے معاف کر لے تو پھر کیا ہوئے، فکلوہ حنیم مریا، پھر اس کو مزے لے لے کر کھاؤ. لیکن یہ معاف کرنے کا پریشر اور دھونس کا طریقہ جو ہے یہ معاف کروانے کا طریقہ نہیں ہے. یہ حق مہر مقرر کرنے والے نے پہلے ہی اڑا لینے کی نیت سے مقرر کیا تو وہ قیامت کے دن زانیوں کی صف میں شامل کیا جائے گا. اس کے بغیر نکاح نہیں ہے. حق مہر دینا یہ فریضہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ حق مہر دینے کا بنیادی مقصد اور غرض اور غایت یہ ہے کہ چونکہ مالی کفالت کا بوجھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام میں شریعت کے احکامات کے مطابق پورے کا پورا چونکہ مرد کے اوپر ڈالا ہے، تو اس کو ڈے ون سے یہ تحفے، یہ تحائف، یہ حق مہر ڈے ون سے دے کر اس کو یہ سکھا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ لک یہ تمہاری مالی کفالت، اس کی مالی کفالت، اس بیوی کی اکنامک جو سپورٹ کرنا ہے یہ تمہاری ذمہ داری. اس کو پہلے دن سے یہ سکھا دیا کیا ہے. اور پھر یہ کہ یہ خواتین کے حقوق میں سے حق مہر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت سے ثابت دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کا حق مہر 500 درہم کچھ روایات سے ثابت ہے، لیکن صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حق مہر جو ہے وہ 12.5 اوکیا چاندی تھی. 12.5 اوکیا چاندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حق مہر ہے. اور کس اکنامک سٹیٹ آف افیئرز میں، کس مالی حالت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حالت کا اندازہ لگا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھانجے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتی بھی نظر آتی ہیں کہ بھانجے، ہمارے گھر میں بہت دفعہ حال ایسے ہوتا تھا کہ ایک چاند آتا تھا، دوسرا چاند آتا تھا، تیسرا چاند آتا تھا، یعنی کتنے کنسیکیوٹو 2 مہینے گزرتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو انہوں نے فوراً ہی پوچھا کہ پھر خالہ آپ کیا کھاتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ہی ایک قناعت اور توکل کے انداز میں فرمایا، صبر کے انداز میں، راضی برضا رہنے کے انداز میں فرمایا کہ وہی کالی چیز یعنی کھجوریں اور پانی، اللہ یہ کہ ہمسایوں کے گھر سے کبھی کبھی بکری کا دودھ آ جاتا تھا، اور وہ کیا ہوتا تھا، وہ تو ایک ٹریٹ ہوتی تھی. تو لہٰذا یہ اکنامک سٹیٹ آف افیئرز کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو جو حق مہر دیا جا رہا تھا وہ 12.5 اوکیا چاندی. تو یہ یاد رکھیے گا کہ حق مہر جو ہے وہ جو نکاح کرنے والا شوہر ہے اس کی جیب اور اس کی مالی استطاعت اور اکنامک افورڈیبلٹی کے مطابق مقرر کرنا ضروری ہے، نہ لڑکی والے اس پر اس کی طاقت اور مالی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالیں گے، اور نہ ہی وہ لڑکا خود اپنی مالی استطاعت کی شان اور شایان شان سے گھٹا کے اور کم کر کے دے گا، کیونکہ اس کو اپنی شان کے مطابق دینا ہے. یہ ایک عورت کی عزت ہے جو شوہر اس کو نکاح کے موقع پر دیتا ہے، اور یہ محبت کا اظہار ہے.
और ये हक महर जो है ये आज हमारे माशे में 32 रुपए और कुछ आने जो है उसको शरई हक महर जो बना दिया जाता है, ऐसा भी कोई तसव्वुर नहीं है, इसको फिक्स करने का कोई तसव्वुर नहीं है। अगेन रिपीट, ये लड़के की माली इस्तेतात और उसकी जेब के मुताबिक होगा। ये जो 32 रुपए कुछ आने का तसव्वुर है, ये इसकी हकीकत महज ये है कि बादशाह जहांगीर जो मुगलों का एक बहुत ही बड़ा सा बादशाह था, बादशाह जहांगीर ने अपने दौर में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक महर 12.5 ऊकिया चांदी था, उसको अपने दौर में उसको करेंसी की शक्ल में जब कन्वर्ट किया तो तब वो 32 रुपए कुछ आने बनता था। और फिर क्या किया, ये बरे सगीर पाको हिंद के मुसलमानों ने लकीर के फकीर बना के, हालांकि सोने की चांदी की कीमत कहां से कहां तक पहुंच गई, तो उन्होंने वो लकीर के फकीर बना के वो जो कन्वर्जन उस दौर में हुई थी करेंसी की शक्ल में, उस 32 रुपए 16 आने को क्या बना लिया, उसको मसनून हक महर बना लिया। और समझते हैं कि यही नेकी, ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है, ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। और मैं तो अमूमन ये कहा करती हूँ कि आज के दौर में शादियां ब्याह इतने इतने बड़े होते हैं, इंशाल्लाह अगले सेशंस में बात होगी कि निकाह का मसनून तरीका क्या है और दुरुस्त तरीका शरीयत में कौन सा पसंदीदा है, कैसे निकाह करना चाहिए और शादी ब्याह के मौके पर क्या रसूमात की कैफियत होनी चाहिए। तो इसमें ये याद रखिएगा कि हमारे माशरे में तो ये तरीकाकार है ना कि शादियों पर और ब्याहों पर इतने खराजात हो जाते हैं, मेहंदियों पे, ढोलकियों पे, माइयों पे, कपड़ों पे, ज्वेलरीज पे, बरीज पे, जहेजों पे इतना खर्च हो जाता है कि जब एक्चुअली लड़के वालों को हक महर देने का वक्त आता है तो उनकी जेब ही खाली होती है। और अभी उन्होंने एक बड़ा सा बहुत ही स्प्लेंडेड और रिमार्केबल सा एक तारीखी सा वलीमा भी तो करना होता है ना, अपनी शोहरत के लिए और अपनी नामवरी के लिए और अपनी वाह के लिए उन्होंने एक वलीमा भी करना होता है। तो लिहाजा उनके पास माल ही नहीं होता हक महर देने के लिए, ना माँ बाप के पास होता है और ना बेटे के पास होता है, और फिर मामूली सा वाजबी सा हक महर दिया जाता है और उसको भी मुअज्जल और गैर मुअज्जल के चक्रों में पड़ के और माफ कराने के चक्रों में पड़ के माफ करवा लिया जाता है। मैं तो हमेशा ये कहती हूं कि लड़के वालों की जेब कितनी है और वो कितना हक महर दे सकते हैं उसका अंदाजा और उसका तखमीना जो है वो जिस कैटेगरी का और जिस शान का वो वलीमा करते हैं वो उनकी जेब का अंदाजा है। तकरीबन जितने अखराजात उन्होंने अपने वलीमे पे किए हैं बस उतने ही अखराजात उनको, उतना ही हक महर जो है उनको दे देना चाहिए। और प्रैक्टिकली जब जेबें खाली हो जाती हैं हक महर देने तक, तो फिर मैं तो हमेशा ये मशवरा दिया करती हूँ कि फिर ऐसा करें कि जो बरी में जेवरात वगैरह, जो तलाई जेवरात, जो गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह हमारे यहाँ आजकल देना रवाज है, तो फिर बेहतर ये है कि उसी को हक महर बना दिया जाए। और उसी को हक महर बनाने से एक तो ये अदायगी भी हो जाएगी, और ये याद रखिएगा कि जब इन तलाई जेवरात या सोने के जेवरात जो बरी में दिए गए हैं अगर इसको उस लड़की का हक महर बना दिया गया तो फिर वो मलकियत उस खातून की होगी, फिर वो उससे वापस नहीं लिया जा सकता। कितनी प्रोटेक्शन है खवातीन के राइट्स के हमारे इस्लाम में, और हर रिश्ते के अंदर, हर कैटेगरी के अंदर, और हर खातून के लिए अल्लाह सुभान व तआला ने कितने राइट्स के प्रोटेक्शन के कवानीन और हदूद बताएं। और फिर ये कि हक महर देकर वापस लेने वाला और मांगने वाला, जैसे हमारे माशरे के अंदर वो अगर सोना वगैरह दे दिया जाता है और उसको हक महर बना के दे दिया जाता है तो बहुत दफा ससुराल वालों ने कॉमन सेट बनाए होते हैं जो सारी बहुओं को पहनाने हैं, और फिर उसको हक महर बना के दिया जाता है, फिर वो वापस ले लिया जाता है, फिर वो अगली दुल्हन को पहनाया जाता है। ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तोहफा देकर वापस ले लेने वाले की मिसाल उस कुत्ते की सी है जो पहले कह करता है और उसको खुद ही फिर चाट लेता है। तो हक महर देकर उसको वापस लेना ये हरगिज शरीयत का तसव्वुर नहीं है, और ये बिल्कुल शरीयत के अहकामात के बरखिलाफ है। और हक महर के हवाले से मैं ये भी वाजे करती चली जाऊं कि जरूरी नहीं कि इन कैश हो, इन काइंड हो, या सोने चांदी की शक्ल में हो, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मदीना की बस्ती में जो बेहतरीन हक महर था वो क्या था, हजरत उम्मे सुलेम रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही जलील उल कदर सहाबियात में से हैं। और ये वो सहाबियाँ थीं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्का ही में थे और हिजरत करके नई तशरीफ लाए थे मदीना, तो ये मदीना में जब दूसरी दफ़ा बैत उकबा सानिया हुई और दूसरी दफ़ा लोग मदीना से मक्का तशरीफ ले गए तो उनमें सेकेंड टाइम द सेकेंड प्लेज ऑफ अकबा में दो सहाबियात भी थी।
इनमें एक मेरी बहुत ही महबूब और पसंदीदा सहाबिया हजरत उम्मे अमारा रजी अल्लाह तआला अन्हा थी और दूसरी सहाबिया हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा थी। अल्लाह सुबहाना ताला ने मौका दिया तो आप बेटियों से जब मैं मुखातिब हूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह मुझे मौका दे कि इन तमाम सहाबियात के तारुफ की नशिस्तें भी हम रखें और हम आपसे बात करें। और मैं आपकी इन सेशंस की मुंतजमीन से ये दरख्वास्त भी करना चाहूँगी कि मेरी बेटियों को अपनी इन सहाबियात की जिंदगियों के जो वाक्यात हैं उनके तारुफ के लिए भी कुछ नशिस्तें ज़रूर ही रखें ताकि हमें अपनी तारीख का वो जो कहा गया ना कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने वो क्या गर्दू था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। तो ये सहाबा जो रोशनी के मीनार थे और ये सहाबियात जो रोशनी की कंदीलें थीं, ये अनअमता अलैहिम जो हम जिनके रस्ते पर चलने की दुआएं मांगते हैं, इनके जिंदगी के रस्ते, इनके बूदोबाश, इनका खाना पीना सोना जागना, इनके लिबास, इनके पहनना ओढ़ना, इनकी वलादतें, इनकी खुशियां गमियां, इनको जानना, इनको सीखना जरूरी है ताकि इनके रस्ते पर चलना आसान हो जाए। तो इंशाल्लाह मेरी दरख्वास्त है तमाम मुंतजमीन से कि कुछ नशिस्तें एक्सक्लूसिवली सीरत सहाबियात की भी रखिएगा ताकि वो ईमान अफरोज किससे हम सुने और हमारा ईमान भी बढ़े और हमारी इस्तकामत में भी इजाफा हो जाए। तो बहरहाल ये हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा थी, इनका वाकया हजरत अबू तलहा बिन जैद अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ये अपना वाकया बताते हैं कि हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा जब ये पिछले शोहर इनके फौत हो गए और ये बेवा हो गई तो मेरे दिल में इनके साथ निकाह की ख्वाहिश पैदा हुई। और फरमाते हैं कि एक तो वो खूबसूरत बहुत थी और मालदार भी थी और बहुत सियानी और समझदार थी। तो कहते हैं कि मेरे दिल में बहुत ही ख्वाहिश उनके साथ निकाह की ख्वाहिश आई और जब उनकी इद्दत पूरी हुई तो मैंने उनको निकाह का पैगाम दिया, लेकिन इस निकाह के पैगाम का उन्होंने फौरन ही झट से इनकार कर दिया और इनकार की वजह भी बयान की कि मैं तौहीद परस्त हूँ, मैं अल्लाह वाहिद को मानने वाली हूँ और तुम बुत परस्त और मुशरिक हो, मेरा और तुम्हारा सर जमा नहीं हो सकता। ये अरबों का तरीका था ये कहने का कि हमारा निकाह नहीं हो सकता। तो हजरत अबू तलहा कहते हैं कि मेरा निकाह करने की इतनी ख्वाहिश और रग़बत थी कि मैंने फौरन ही ये तजवीज़ दी कि उम्मे सुलैम अगर मैं इस्लाम कबूल करके मैं भी तौहीद परस्त हो जाऊं और मैं शिर्क से बाज आ जाऊं तो क्या कबूल इस्लाम के बाद तुम मुझसे निकाह कर लोगी। तो हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फौरन ही इकरार किया और उन्होंने कहा कि हाँ अगर मुझे निकाह में कबूल इस्लाम को तुम मेरा हक महर बना के मुझे तुम कबूल इस्लाम का तोहफा दो तो फिर मैं तुम्हारे साथ निकाह पर राजी हूँ। सहाबा इकराम फरमाया करते थे कि ये मदीना की बस्ती में बेहतरीन हक महर था जो एक सहाबिया ने दिया। तो लिहाजा हक महर किन भी एनीथिंग, जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में वो वाक्या सुनाया था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जा अपने घर में तलाश कर कि तेरे घर में कुछ है, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया कि क्या कोई पीतल की अंगूठी, उन्होंने कहा वो भी नहीं है। तो आपने फिर 10 आयात के इवज जो है उसको हक महर बना के दोनों का निकाह करवा दिया था कि शोहर को 10 आयात का इल्म था और वो बीवी को वो आयात सिखा देंगे तो फिर वो वही उनका हक महर तसव्वुर किया जाएगा। तो हक महर जो है वो होना जरूरी है और उसके बगैर निकाह मुकम्मल नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ तो हाल ये है कि हक महर के देने का तसव्वुर जो है वो तलाक के मौके पर आता है और तलाक के लिए, तलाक को रोकने और तलाक को प्रिवेंट करने और अपनी बेटी को सिक्योरिटी देने ही के लिए तो लोग घर को बसाए रखने के लिए बस औकात लड़की के मेके वाले बहुत ही ज्यादा सा हक महर जो है वो मुकर्रर कर देते हैं कि ना वो इतना हक महर दे पाएंगे और ना ही वो हमारी बेटी को तलाक देंगे। तो कुछ लोग तलाक देने से रुकते ही इसलिए कि इतना हक महर कहां दें, हमारे तो बंटवारे और ये डिसीजंस और हक महर की अदायगियां तलाक के मौके पर होती हैं। और यहां फिर ये कि जैसे मेरे पास एक बच्चे कुछ आए अपनी वालदा की वफात के बाद और सवाल एक अनहोना सा लेकर आए कि हमारी वालदा फौत हो गई और हमारे वालिद ने हमारी वालदा का हक महर नहीं दिया तो अब हमारे वालिद क्या करें, क्या उस हक महर का सदका कर दें।
तो मैंने उनको यही कहा कि वालदा की जिंदगी में ये वालदा का हक था, अब उनके फौत हो जाने के बाद उसकी अदायगी उनका हक तो अदा नहीं करेगी। अब सदका खैरात करने की अगर करना चाहते हैं तो इस्तग़फार करें, क्योंकि बहरहाल बीवी के हक में कमी और कोताही तो जरूर हुई है। इस्तग़फार करें और फिर हाँ जाहिर इस्तग़फार की कबूलियत के लिए सदका खैरात कर दें, लेकिन असल बात है कि अपनी औलादों को इस बात की आगही दें और उनको ये वसीयत करें और अगली नस्लों के निकाह पर ये इंश्योर करें कि आगे से ये कमियां ना हो कि वफात के बाद हक महर की अदायगी की फिक्र लाहक हो जाए। तो ये हक महर जो है ये भी फरीजाए दीन और हुक्मे खुदाबंदी और वलीमे के हवाले से मैं ये बताना चाहूंगी कि वलीमे के लिए वैसे तो जैसे निकाह के हवाले से आता है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस निकाह में अखराजात जितने कम होते हैं उसमें बरकत उतनी ज्यादा होती है, लेकिन वलीमा जो है वो छोटा भी करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है और बड़ा भी किया जा सकता है। जैसे हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा का वलीमा जब गजवाए खैबर के बाद हुआ तो आप सफर की हालत में और गजवे के बाद वो कैफियत थी कि वहां पर वो इस्तेतात नहीं थी, तो सिर्फ चमड़े का दस्तरखान जो है वो बिछाया गया था और कोई शख्स आटा ले आया था, कोई घी ले आया था और कोई शहद ले आया था, कोई खजूरें ले आया था और वो उनको मिला के एक हलवा सा बना लिया गया था और दस्तरखान पे रखा गया था और सब ने तनावल किया था और बस यही हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का वलीमा हो गया। लेकिन हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा का जब वलीमा हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के बाद तो वो बहुत ही कुशादा दस्तरखान था, यहां तक कुछ रवायात में आता है कि गोया शायद सारे का सारा ही मदीना इन्वाइटेड था और दस्तरखान लगाया गया था, लोग आते जाते थे और खाना खाते जाते थे और रुखसत होते थे। तो लिहाजा वलीमा जो है वो भी माली इस्तेआत के मुताबिक किया जाएगा और उसको ज्यादा बड़ा भी किया जा सकता है और ज्यादा लोगों को भी मदऊ किया जा सकता है और थोड़े लोगों को मदऊ भी किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल ये शराइत निकाह में से है। और निकाह के हवाले से मैं ये भी बताती चलूं कि एक मुसलमान औरत के लिए, एक मुसलमान मर्द के लिए तो किताबिया औरत से निकाह की इजाजत है, यानी अहले किताब की यहूद और ईसाइयों की औरत के साथ निकाह की इजाजत है और ये भी मजबूरी की हालत में है, यानी अगर एक मुसलमान मर्द को किसी दारुल कुफर में रहते हुए, दारुसलाम में नहीं रह रहा, दारुल कुफर में रह रहा है, वहां पर कोई नेक सवाले मुसलमान खातून मुयसर नहीं है निकाह के और बदकारी का इम्कान है, तो वो किसी अहले किताब की खातून के साथ निकाह कर लेता है तो शरीयत ने इसकी इजाजत दी है, लेकिन साथ ही पाबंदी लगा दी है कि उसको अपने दीन और अपनी औलादों के दीन, ईमान और इस्लाम की हिफाजत करनी है। लेकिन एक मुसलमान औरत को किताबी मर्द के साथ, अहले किताब के मर्द के साथ निकाह की इजाजत नहीं है। और इसमें बहुत बड़ी हिकमत है कि एक खातून को अल्लाह सुबहाना ताला ने मर्द को कवाम तस्लीम करने का हुक्म दिया है, तो अगर एक मुसलमान औरत अहले किताब यहूद और ईसाई के निकाह में जाती है और उसकी कवामियत को तस्लीम करती है और उसकी फरमा बरदारी करती है तो उसके दीन के अंदर खलल आएगा, उसका ईमान बिगड़ जाएगा। तो अल्लाह सुबहाना ताला ने इसलिए मुसलमान औरतों को तो किताबी मर्दों के साथ निकाह की इजाजत नहीं दी है, लेकिन मुसलमान मर्दों को मजबूरी की हालत में किताबी औरत के साथ निकाह की इजाजत दी है, लेकिन मुशरिक मर्दों और औरतों के साथ निकाह की इजाजत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। वला तन के हुल मुश्रिकीन के, तुम मुश्रिक मर्दों से, वला तुन के हुल मुश्रिकीना, मुसलमान मर्दों को कहा गया कि तुम अपनी औरतों का मुश्रिक मर्दों के साथ निकाह ना करो, वला तन के हुल मुश्रिकात, और तुम खुद क्या करो, तुम मुश्रिक औरतों के साथ निकाह ना करो। तो लिहाजा ये वो पैमाने हैं बुनियादी जो अल्लाह सुबहाना ताला ने शराइत बता दी है और ये जरूरत है कि इनको निकाह के लिए पूरा किया जाए। इंशाल्लाह अब हम अगले सेशन में जो शादी का निकाह का तरीका है, जैसे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह हुए या आपकी बेटियों के निकाह हुए, वो क्या तरीका था, वो क्या सुन्नतें थीं और वो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा का नमूना था, अल्लाह सुबहाना ताला हमें इन सबको सीखने समझने और सुनने सुनाने की बेहतरीन तौफीक के साथ इन पर इस्तकामत से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु अलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन।